तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किया सेल्टोस 2023 फेसलिफ्ट GTX डीजल प्लस मॉडल है ऑटोमेटिक में। दोस्तों आप देखो गाड़ी यार न्यू अभी लॉन्च हुई है गाड़ी फेसलिफ्ट है इसका। ये तो गाड़ी कितनी प्यारी लग रही है, आगे से काफ़ी कुछ चेंजेस है। इंजन की बात करें तो आपको वही आपको 1493 सीसी का इंजन मिलता है आपको इसमें, 115 BHP जो प्रोड्यूस करता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 6-speed ऑटोमेटिक। बात करें 6 एयरबैग। बात करें दोस्तों इसके आइस क्यूब आपको फोग लैंप मिलते हैं इसमें, डी कट आपको इसमें बम्पर मिल जाता है। आगे से यार इतना कुछ खास चेंज नहीं है, अलॉयज का साइज़ आपका चेंज है, अलॉयज का तो साइज़ आपका रहने वाला है 215/60 R17 का। तो भाई गाड़ी यार काफ़ी कुछ बाहर से कुछ चेक होगी, काफ़ी कुछ चेंजेज है गाड़ी में। तो आप बात करें रिक्वेस्ट सेंसर आपको डोर पर मिल जाता है, और कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, ये जो नया कलर लॉन्च हुआ इसका, ये तो कलर बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। गाड़ी यार ऑल ओवर काफ़ी पीछे से काफ़ी मेन जो लुक है ना गाड़ी का पीछे से चेंज किया गया। आप देखोगे पीछे से कितना चेंज किया गया है, पीछे से आपकी कनेक्टेड एच टाइप टेल लैम्प मिल जाती है। मतलब यार पूरा जो कंप्लीट चेंज है ना आपको पीछे से रियर से दिखेगा आपको, तो रियर से काफ़ी कुछ चेंजेस करे गए हैं। बात करें डोर की, आप डोर पे देखोगे आपको एक बॉडी कलर आपको बीच में लाइनिंग मिलती है, ये काफ़ी मतलब नई चीज़ देखी हमने, ये क्या नहीं इंट्रोड्यूस किया। आप देखोगे डोर पे बॉडी कलर आपको एक लाइन मिलेगी, हाईलाइट मिलेगा, तो काफ़ी प्यारी लग रही है। बात करते हैं बूट की, तो भाई 433 का आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है, बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है। आपको दो पार्ट में ट्रे मिलती है नीचे स्टपनी वगैरह के लिए, तो बात यहाँ पे आपको सब वूफर मिल जाता है साइड में। तो बूट स्पेस यार काफ़ी मतलब पहले से ही इसका काफ़ी अच्छा रहा है सेल्टोस का बूट स्पेस। बात करें यार फ्रंट की इंजन की, आप इंजन देखो हुड में आपको टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है ये। और बात करें आपकी दोस्तों जो कंपनी ने मेन जो गेम खेला ना अपना, वो इंटीरियर से गेम खेला है। इंटीरियर में आपको वेंटिलेटरी शीट मिल जाती है आपको, देखो आप डोर्स में भी कितनी अच्छी मतलब फिनिशिंग मिल रही है, डिस्प्ले आपकी काफ़ी चेंज होती है। और ऑटोमेटिक में रहने वाली गाड़ी है, GTX प्लस वेरियंट है, तो आपको हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट में आपको देखो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। तो भाई मेन जो चीज़ है ना इस गाड़ी को अंदर से ही चेंज किया गया है, अंदर से गाड़ी में पूरी जी जान लगा दी है, गाड़ी इतनी प्रीमियम बना दिया है, तो क्रेटा भाई पानी मांगती है इस गाड़ी के सामने। डोर 3 zone आप इसको इसमें आपको AC मिल जाता है, 3 zone आपको इसमें AC मिलता है, अभी आपको AC का भी दिखाएंगे इसमें। तो गाड़ी यार सन मून रूफ आपको मिलता है, पहले आपको ओनली सन रूफ मिलता था। बात करें दोस्तों की तो की आपकी कुछ ऐसी रहने वाली है, जो किया की EV6 की आती है, जो किया की EV उसके टाइप की आपको की दे दी है, की में काफ़ी चेंज किया गया है। दोस्तों इंटीरियर की बात करते हैं, रियर में आपको AC वेंट आपको पीछे पहले की तरह मिलते हैं। तो दोस्तों देखोगे आप डोर्स पे काफ़ी वर्क किया है कि यानी इस टाइम डोर में आपको देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। तो मैं आपको डोर की फिनिशिंग दिखा देता हूँ, डोर में आपको एक पियानो मतलब ब्लैक कलर की आपको फिनिशिंग मिलती है, देखो मतलब सेल्टोस की यहाँ बैजिंग मिल जाती है, और जो बोस के स्पीकर मिल जाते हैं यहाँ पे। तो देखो ये आप ये देख रहे हो ना डोर में कितना प्यारा लग रहा है भाई ये शेड्स। तो बात करते हैं हम डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको 10.25 inch की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, एंड्रॉयड एप्पल कार प्ले आपको इसमें मिल जाता है। डैशबोर्ड पे आपको सब वूफर की प्लेसिंग मिल जाती है। गाड़ी यार एक आप XUV 700 की तरह आप देखोगे मर्सिडीज टाइप, आपको पूरी डिस्प्ले और कनेक्टेड डिस्प्ले मिलती है आपको, OVRM डिजिटल मिलता है। तो गाड़ी यार काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया गाड़ी में, आप देखोगे डिजिटल की सारी बैजिंग आपको ये मिलती है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, 2 zone आपको इसमें AC मिल जाता है फ्रंट में, पैसेंजर के लिए वो अपना अलग टेम्परेचर सेट कर सकता है, और क्रेटा की तरह आपको इसमें एयर प्योरीफायर आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। मतलब बढ़िया चीज़ है, पहले आपको नहीं मिलता था इस वेरिएंट में, पर आपको इस वेरिएंट में मिलने लगा भी है। तो यार इन्फोमेन क्लस्टर आपको देखो काफ़ी प्यारा लग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सनरूफ की, तो 3-way आपको सनरूफ मिल जाता है, मतलब सनरूफ नहीं मतलब मून रूफ बोलेंगे इसको, तो 3-way आपको मिल जाता है मून रूफ। देखोगे आपको साइज़ काफ़ी बड़ा है, देखोगे आप XUV 700 से मेरे को यार कंपेरिजन में बड़ा लगा इसका साइज़, तो यार काफ़ी प्रीमियम दे दिया गाड़ी इस बार, काफ़ी प्रीमियम मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था किया से कि किया इतना एक बड़ा चेंज लाएगी इंटीरियर में और रियर में गाड़ी के। बात करें अब गाड़ी की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग आपकी कुछ ये रहने वाली है, जो आपकी दिल्ली की जो प्राइसेज है मैं उसके बेस पे बात करूँगा। तो दिल्ली में इसका प्राइस रहने वाला है भाई, ये ऑफ रोड प्राइस है एक्सोरूम, 12,61,000 से लेकर 23,65,000 तक इसका प्राइस रहने वाला है। तो बात करें तो दोस्तों बात करते हैं GTX डीजल ऑटोमेटिक EC मॉडल की, तो इसका एक्सोरूम रहने वाला है 19,69,000 से लेके, और ऑन रोड रहेगी 23,41,000। तो दोस्तों ये थी हमारी 2023 फेसलिफ्ट किया सेल्टोस। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना।